सेक्शन के लिए एनसीईआरटी का एग्जांपल 14 है, अब इसको समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। एक केस तो उसने ये दिया है और दूसरा केस दिया है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें देख लेते हैं टोटल वोवल्स कितने हैं और ऐसे कितने कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉटर हमने लिख लिया है, ये हमारा वर्ड है डॉटर। अब इसमें से वोवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक तो ये ए है, ये यू भी है और ये ई है, तो तीन वोवल्स हैं। ठीक है, इन तीन वोवल्स को निकाल लेते हैं पहले एक बार। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बचेगा, जी बचेगा, एच बचेगा, पी बचेगा और आर बचेगा। ठीक है, अच्छा अब बाकी हमारे ये हैं ए यू और ई, ये तीनों वोवल हैं, ये तीनों वोवल हैं साथ में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीनों वोवल्स को हम टाई कर देते हैं किसी धागे से, ऐसे करके बांध दो ऐसे, ये आपके नॉट बांध दिए। ठीक है, अब ये तीनों वोवल हटेंगे, ये साथ में रहेंगे। अगर तीनों वोवल साथ में रहेंगे तो एक काम करते हैं, इसको एक अपने आप में एक नया लेटर का नाम दे देते हैं। तो कुछ नया लेटर वैसे है नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अब जो है ये जो आपका नया वर्ड बना है, इससे आप बताइए कितने वर्ड्स और बन सकते हैं, कितने वर्ड्स और बन सकते हैं अगर इस लेटर की अगर हम बात करें। ठीक है, इन लेटर्स से कितने वर्ड, तो देखिए आप पहले काउंट कीजिए कितने हैं, ये वन, ये वन है, ये टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो टोटल सिक्स है, यहां पर टोटल सिक्स लेटर्स हैं। आप तो सिक्स लेटर से सीधा डायरेक्टली, और यू हैव टू टेक सिक्स एट अ टाइम, सेम सिक्स लेने हैं। तो टोटल अरेंजमेंट सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सिक्स पी सिक्स, यानी कि सिक्स फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, और इसको सिक्स फैक्टोरियल ही बोलेंगे। ठीक है, अभी बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पर एक चीज आप देखिए, ये जो एक्स है, ये जो एक्स बंडल है, ये एक्स के अंदर जो आपकी आपने फिलहाल तो इस तरह से रखे हैं, पर ये आपस के ये थोड़ा कि ये हमेशा इसी तरह से बंधे होंगे ए यू ई। ये हो सकता है कि आपका एक तो ए यू ई भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये ए ई यू भी हो सकता है, या फिर इस तरह से करते 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 हो सकता है माइट भी आपका यू रहा हो और ए रहा हो और ई रहा हो। तो कुल मिला के इनके अपने और अरेंजमेंट्स हैं, इनके अरेंजमेंट पता करने पड़ेंगे। तो इनमें टोटल कितने हैं आपके, इनका अरेंजमेंट और पता कर लो पहले आप। ये जो है आपका, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, इसका अरेंजमेंट और पता करना पड़ेगा। तो ये थ्री फैक्टोरियल हो गया, इसके जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ दिस देन और अरेंजमेंट, इधर हो गया थ्री फैक्टोरियल्स, इनके अरेंजमेंट ये ए यू ई ए ई यू ऐसे सोन सोन कई सारे बनेंगे। अब बात करते हैं आंसर के सीधा, ऑल वोवल्स टुगेदर अकर टुगेदर, इसका पता करते हैं। तो देखिए सिक्स फैक्टोरियल तो आपके विद एक्स है, पर वो एक्स नहीं है, एक्स के भी अपने अरेंजमेंट्स हैं, एक्स के अरेंजमेंट कितने हैं, थ्री फैक्टोरियल है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, एक तो इसकी और एक इसकी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो सिक्स फैक्टोरियल तो एक्स मान लीजिए केवल एक्स ही होता, तो फिर तो यही रहता, पर वो एक्स एक्स नहीं है, एक्स के अंदर भी तीन आपके अलग अलग लेटर्स हैं जिनका अपना खुद का अरेंजमेंट है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी साथ में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करो, आप देख के बताओ मुझे क्या आंसर आता है। आई होप आपने कैलकुलेशन कर ली होगी, आंसर आ रहा है 4320, 4320 ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं कि देखो, पहली बात तो यहां पर सबके सब डिस्टिंक्ट है, कोई अलग तो है नहीं, सबके सब डिस्टिंक्ट है।
तो एक काम करते हैं, पहले ये काम करते हैं कि टोटल वेज कितने हो सकते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि टोटल वेज कितने हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो टोटल हमारे लेटर्स कितने हैं, वैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और यू हैव टू टेक सेम नंबर ऑफ ऑल ऑफ देम यू हैव टू टेक, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो इन सब का अरेंजमेंट हो जाएगा, अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, अब 8 फैक्टोरियल में तो ये सब इसमें मिक्सअप हो रहे हैं, कोई 7 भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता, पर हमें तो ये पता करना है कि ऑल रोज डू नॉट अकर टुगेदर। पर हम एक चीज पहले से निकाल चुके हैं जिसमें कि सबके सब 7 हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि माइनस कर दो 7 वाले, तो बचेंगे जो वो बिना 7 वाले बच जाएंगे। तो एक काम करते हैं, 8 फैक्टोरियल माइनस कर देना ये वाला, या पहले से कैलकुलेट कर रखे हो 4320, ये चीज माइनस कर दो, तो ये आंसर आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही क्या लिखना है, तो रिक्वायर्ड लिख दो आप, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड लिख दीजिए। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 4320 आपको सोल्व करना है, तो पहले 8 फैक्टोरियल निकाल लीजिए कितना आएगा। 8 फैक्टोरियल हमारा निकल के आ रहा है 40320, इसमें माइनस कर दीजिए 4320। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है, आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा क्या आ रहा है, 36,000, ये करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कैलकुलेशन लेंदी होती है, बट आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए, और कैलकुलेशन आप चाहो तो एग्जाम में इनको लास्ट में भी कर सकते हो। आप पहले क्वेश्चन को 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तक छोड़ दीजिए, और जब आपका समय बचे लास्ट में इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, टू सब्सक्राइब माई चैनल क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, इफ यू लाइक दिस वीडियो then click on like button, for more details click on show more.